हेलो डी स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच प्रैक्टिस सेट लेके आते रहते हैं और आप लोग के एग्जाम भी है, तो इसीलिए मैं अभी करंट अफेयर का लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एक और चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ पर जाके देख लीजिए। लगभग 325 से भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट कवर किए। इस प्रैक्टिस सेट में आपका चाहे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर हो, इवन बिहार का जीके हो, यहाँ पे इवन तमाम जगह से मैंने प्रैक्टिस सेट लगभग 325 में कवर किया, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ पे पहली बार होगा तो इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे, तो यहाँ भी कर लीजिएगा। 5 प्रैक्टिस सेट करेंट अफेयर का हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, उनको देख लीजिएगा, काफ़ी ही एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे अभी हम लगातार लेके आने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक भी हम आप लोग के बीच करेंट अफेयर लेके आएंगे। थोड़ा संयम रखिएगा, हर वो तरीका से करेंट अफेयर कवर कराएंगे। अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। सो क्वेश्चन 1 देखने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक करेंट अफेयर का ये सब चीज़ आपको जानकारी तो ऐसे भी होना चाहिए, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं यहाँ पे। So, यहाँ पे बात करके इस पहला क्वेश्चन। और हाँ, पीडीएफ के लिए ऐप 24 आवर स्टडी सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। सो हाल ही में जारी वर्ष 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए बात करने वाले गए 165वां स्थान मिला है, मतलब 165वां स्थान मिला है, 169वां स्थान मिला है, 176वां स्थान मिला है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करें, 176वां स्थान मिला है। सो ऑप्शन सी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। हाल ही का यहाँ पे देख लीजिएगा, साल 2024 में बात करेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया, ठीक है, इसका नाम जरूर लिखे, एस्टोनिया को गैस यहाँ पे पहला स्थान मिला है। और वही अपने प्यारा सा भारत की बात करेंगे, 180 देशों के 27.6 अंकों के साथ 176वां स्थान मिला है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से यहाँ पे। हाल ही का कुछ पॉइंट और यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में तो 176वां स्थान तो मिला ही मिला है, लेकिन जलवायु परिवर्तन सूचकांक में अगर देखें तो 133वां रैंक मिला है अपना प्यारा सा भारत को यहाँ पे। हाल ही का इंडेक्स से रिलेटेड में एक टॉपिक ही लेके आएंगे जो काफी कुछ डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। थोड़ा संयम तो रखिए, हम सारा कुछ ही आपको कवर कराएंगे बीपीएससी के से करेंट अफेयर के व्यू से यहाँ पे, ठीक है। जलवायु गुणवत्ता में बात करें, दक्षिण एशिया में बात करें, 5वां स्थान मिला है। तो इन सब को आपको पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना है यहाँ पे। इनसे रिलेटेड में एक टॉपिक और लेके आएंगे, स्पेशली सिर्फ इंडेक्स होगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन देखें। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है यहाँ पे। हाल ही का ऑप्शन ए देखने की कोशिश करें, नेपाल के साथ, ऑप्शन बी श्रीलंका के साथ, ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, बांग्लादेश जो कि गैस भारत का एक पड़ोसी कंट्री और बहुत ही अच्छा एक मित्र हुआ करता था, लेकिन अब हम बात करेंगे भारत का एक अच्छा मित्र होने की संभावना पहले की कंपेयर अब देखें तो बहुत ही कम लग रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, क्यों? सरकार चेंज हो चुका है, तो विचारधारा जब नहीं मिलता है ना तो रिलेशनशिप में डैमेज देखने को मिलता है यहाँ पे, बेसिक चीज है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 3 क्वेश्चन देखें, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पे विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है यहाँ पे। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं, शिल्प मतलब इसी से रिलेटेड ये सब चीज वहां पे ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए इनको मान्यता दिया है। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस 4 क्वेश्चन देखें, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए देखें निजा अकुला बनी है, ऑप्शन बी अर्चना कामत बनी है, ऑप्शन सी राधिका जैन बनी है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कैसे यहाँ पे, राधिका जैन बनी है। सो सी को आप लोग टिक ला लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए एंड 5 क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में बात करेंगे भारत का कौन सा स्थान रहा था यहाँ पे।
ऑप्शन ए बात करें 114वां स्थान रहा था, ऑप्शन बी 115वां स्थान, ऑप्शन सी 116वां स्थान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूं, आंसर हो जाएगा 116वां स्थान रहा था, सो सी को टिक ला लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए सिक्स क्वेश्चन, देखें यहाँ पे, लाल सिरे वाले गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा यहाँ पे, ये है गैस लाल सिरे वाला गिद यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन ए देखिए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है गैस बीपीएससी का कुछ पैटर्न यहाँ पे। हालांकि अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सो बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए सात क्वेश्चन, देखें यहाँ पे, हाल ही में रिपोर्ट 2024 ग्लोबल जेंडर गैप भारत का कौन सा स्थान रहा था, ऑप्शन ए बात करने वाले गए 127वां स्थान रहा था, ऑप्शन बी 129वां स्थान रहा था, ऑप्शन सी 133वां स्थान रहा था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूं तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 129वां स्थान मिला था ग्लोबल जेंडर गैप में। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट भी मेंशन किया, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है पे, तो थोड़ा सा ये भी एक जानकारी रख सकते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 146 देश में बात करेंगे 129वां स्थान मिला है और पहला स्थान गैस आइसलैंड को मिला है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आठ क्वेश्चन देखने की कोशिश करें पे, तो विश्व पुरुष क्रिकेट मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, किसे मिला है गैस, एरन जोन्स को मिला है जो कि अमेरिका के है, क्या बिल्कुल नहीं मिला है यहाँ पे, तो गुडा केस मोती को मिला है जो वेस्ट इंडीज का है यहाँ पे, ऑप्शन सी मेट हैनरी को मिला है न्यूजीलैंड से है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है पे। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो गुडा केस मोती को मिला जो कि वेस्ट इंडीज से है, सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए चंद्रबाबू नायडू को कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी हैं, ऑप्शन ए देखें यहाँ पे, सो गैस दूसरी बार बनी हैं, या ऑप्शन बी तीसरी बार, ऑप्शन सी चौथी बार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि गैस एक दो बार तीन बार बनता है, तो मैं आंसर कर लगभग चौथी बार वो बन रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, सो इसीलिए मैंने सी को टिक लगा लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए दस क्वेश्चन देखें, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम शुरुआत किया है, ऑप्शन ए देखिए बनारस, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 11 क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र के किस संस्थाओं ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है यहाँ पे, ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूएनएचसीआर, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संगठन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे, जो कि बीपीएससी का पैटर्न है यहाँ पे। किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो गैस यूएनएचसी को नियुक्त किया यहाँ पे, ठीक है यूएनएचसी को नियुक्त किया यहाँ पे, तो ये आप बी को टिक लगा लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12, किस देश ने हाल ही में ईरान के ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया, रूस किया है, इसराइल किया है, कनाडा किया है, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले तो मुझे लगा कि इसकी ईरान और इसराइल का रिलेशनशिप सही नहीं है, तो इसराइल हो सकता है घोषित कर दिया, इसराइल का अगर बस चले तो पूरा ईरान को ही आतंकवाद बोल दे यहाँ पे, लेकिन गाइस ना ही रूस ना ही इसराइल, कनाडा किया है यहाँ पे, है ना, सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 13 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, फिल्मों में अनेक योगदान हो जाएगा, योगदान के लिए नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन बन गया है, ऑप्शन ए विनोद, ऑप्शन बी अमित देव, ऑप्शन सी अनुराग शुक्ला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो गैस ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 14 क्वेश्चन देखें, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, अनामिका बी बी
राजीव बनी है, ऑप्शन सी मनीषा, ऑप्शन डी चांदनी, ओपिक में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या होगा, ओपिक में से कोई नहीं, आंसर हो गया अनामिका, बी राजीव बनी है। सो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन, देखें यहाँ पे 15 क्वेश्चन गाइस। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो कि 17वां यूरो कप था यहाँ पे कहाँ शुरुआत हुआ है, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, उपिक में से एक से अधिक, उपिक में से कोई नहीं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 16 क्वेश्चन, देखिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा था, पहला स्थान रहा था यहाँ पे या ऑप्शन नेक्स्ट दूसरा स्थान रहा था, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे तीसरा स्थान रहा था, ऑप्शन डी क्या होगा, ओपिक में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या होगा, ओपिक में से कोई नहीं यहाँ पे। तो विश्व नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन के मामले में बात करें अपना प्यारा से जो भारत है ना वो दूसरा स्थान पे रहा था यहाँ पे, हालांकि पहला स्थान पे फिर कौन है यहाँ पे, तो पहला स्थान पे बात करने अपना प्यारा सा देश का पड़ोसी कंट्री जो एक भारत विरोधी वाला काम करता रहता है चीन यहाँ पे। सो चीन पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे अपना प्यारा सा भारत, तीसरा स्थान पे अमेरिका, चौथा पे ब्राजील और पांचवा पे रूस है यहाँ पे। देख सकते हैं कितना परसेंट उत्सर्जन करता है, 16.7, 10.9 अपना प्यारा से भारत, 5.7 अमेरिका। सो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 17 क्वेश्चन देखे यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है पे, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। इसमें संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है पे, ऑप्शन ए बात करें 2008, 2000, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सबसे अधिक, ऑप्शन बात करें गाइस ई उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ई को आप लोग टिक लगा लीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गाइस विश्व धरोहर सूची में 2016 में शामिल किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पे, हालांकि ऑप्शन ई यहाँ पे देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको टिक लगा लीजिएगा। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जुलाई 15 जुलाई 2016 को उनको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी, कब इनका स्थापना किया था, तो 5वीं शताब्दी में इनका स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए काफी फेमस हुआ करता था, प्रमुख केंद्र हुआ करता था यहाँ पे। विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी 1200 ईस्वी में शिक्षा का केंद्र, एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। और 1190 में बात करने वाले गए, 1190 के दशक में बात करें तुर्क अफगान जो बख्तियार खिलजी है, तुर्क अभियान के जो सैन्य जनरल थे बख्तियार खिलजी ने क्या कहता है नष्ट तोड़ पार जला के बराबर कर दिया था यहाँ पे, है ना। सो ये इनको आज भी हम लोग बख्तियार खिलजी को याद करते हैं यहाँ पे, बख्तियार खिलजी को इसलिए याद करते हैं नालंदा के लेके, नहीं तो फिर इनको कौन याद करता है, इंसान दो ही, चाहे सबसे अच्छा इंसान को याद करते हैं चाहे सबसे बेकार इंसान को याद करते हैं, तो इनको मालूम नहीं, अपना अपना नजरिया है आप लोग किस नजर से इसको याद करते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 18 क्वेश्चन देखें। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन से देश करेगा, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर अगर मैं बात करने वालों का इस आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि गाइस पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो है ना साल 2023 में भी इसका आयोजन किया गया था पहली बार, ठीक है, जो कि भारत के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा ये आयोजित किया जाता है पे, और 2024 में ये दूसरी संस्करण है पे, जो कि गैस ये भी भारत के द्वारा ही सितंबर अगस्त से लेके सितंबर तक इनका आयोजित किया जाता है पे, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं पे, ठीक है। इस अभ्यास से बात करें 30 देश ने भाग लिया था, और 30 देश में बात करें 10 देश ने क्या कहता अपना लड़ाकू विमान लेके भारत पहुंचा था, फिर अपना जो अभ्यास वगैरह वो किए थे यहाँ पे। क्वेश्चन 19 देखें, 19 क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, अगेंस्ट ये रिपीटेड है यहाँ पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थे यहाँ पे, 156, 166, 176, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीट जरूर होता रहेगा, सो आंसर क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, मैंने एक क्वेश्चन में सेट नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जरूर मेंशन किया है यहाँ पे। देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून
एवं नीति केंद्र के द्वारा इनको जारी किया जाता है पे, और ये हर 2 साल पे जारी किया जाता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं पे, 180 देश में 176वां स्थान अपना प्यारा सा भारत के यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गैस 20 क्वेश्चन। देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया, यह किस नदी पे है? झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कुछ, ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही हाइट है यहाँ पे। सो आंसर हो जाएगा चिनाब नदी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारतीय रेलवे 20 जून को जम्मू कश्मीर के दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर 8 कोच वाले मेमू ट्रेन सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया यहाँ पे। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 21 क्वेश्चन। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? यहाँ पे ऑप्शन ए बात करें गैस राजस्थान में है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गैस मध्य प्रदेश हो जाएगा। सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ही गैस गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे सबसे ज्यादा वन्य जीव अभियान तो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। टाइगर के लिए भी मध्य प्रदेश काफी ज्यादा फेमस है। ये चर्चा में क्यों रहा था? चर्चा में बस चीता के लिए ना घर बनाया जा रहा है, बस इसी के लिए दूसरा घर, पहला कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया और दूसरा यहाँ पे बात करने गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में बनाया जा रहा है, इसके लिए फेमस में है। क्वेश्चन 22 यहाँ पे बात करेंगे 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? सिकंदराबाद, अमरावती, हैदराबाद, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी जवाब देंगे इनके बारे में, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। अमरावती हो जाएगा, सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा राजधानी बनने के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? 25,000 रुपया लॉट किया था, 25,000 करोड़ रुपया लॉट किया गया था यहाँ पे। 2014 में ही घोषणा कर दिया गया था अमरावती राजधानी बनेगा आंध्र प्रदेश का यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। 325 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट मैंने जीके जीएस का अपलोड किया हूँ स्पेशली फॉर बीपीएससी के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उनको जरूर देखिएगा। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, 99 रुपीज में ही आपको लाइफ टाइम के लिए सारा कुछ मिल जाएगा। सो वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा, इसी नाम से ऐप है यहाँ पे। कोई दिक्कत है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये रितेश सिंह, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।